Welcome to Mangrove Boating, a jungle adventure in Thengaithetu, a captivating exploration of one of India's most unique or enchanting ecosystems. Nestled in the quaint village of Thengaithetu near Pondicherry, a mangrove forest offers a rare glimpse into a world where land meets sea or nature thrives in a delicate balance. मैंग्रोव्स वो ट्रीज और श्रब्स का ग्रुप है जो कोस्टल इंटरटाइडल जोन्स में थ्राइव करते हैं। ये रेजिलिएंट प्लांट्स हार्श कंडीशंस में सर्वाइव करने के लिए अडेप्टेड हैं, इंक्लूडिंग हाई सेलिनिटी, फ्लक्चुएटिंग टाइड्स और एनॉक्सिक सॉइल्स। इनकी यूनिक रूट सिस्टम ना सिर्फ कोस्ट लाइन को स्टेबलाइज करती है बल्कि वाइल्ड लाइफ के लिए क्रूशियल हैबिटेट भी प्रोवाइड करती है। थेंगाइथेटु का मैंग्रोव फॉरेस्ट वाटरवेज का एक वर्डेंट लेबरिंथ है जो न्यूमरस स्पीसीज ऑफ फ्लोरा और फौना को सपोर्ट करता है। ये एरिया कोस्टल रीजन्स को इरोजन से प्रोटेक्ट करने, स्टॉर्म्स के इम्पैक्ट्स को मिटिगेट करने और कई मेरीन स्पीसीज के लिए नर्सरी के रूप में सर्व करने में काफ़ी इम्पोर्टेंट है। हमारा एडवेंचर लोकल जेटी से शुरू होता है जहां ट्रेडिशनल वुडन बोट्स विजिटर्स को मैंग्रोव फॉरेस्ट के हार्ट में ले जाने के लिए तैयार है। इन बोट्स को टिपिकली एक्सपीरियंस्ड लोकल गाइड्समैन करते हैं जो एरिया की ज्योग्राफी और वाइल्ड लाइफ का इंटीमेट नॉलेज रखते हैं। जैसे ही बोट नैरो चैनल्स से ग्लाइड करती है, मैंग्रोव की शाखाओं की घनी छत एक नेचुरल टनल क्रिएट करती है जो नीचे के पानी पर चमकती धूप की छाया करती है। हवा में चहकते पक्षी, सरसराते पत्ते और बोट की हल के अगेंस्ट पानी की हल्की थपथपाहट की साउंड्स भरी होती है। मैंग्रोव फॉरेस्ट लाइफ से भरा हुआ है। कीन आईड विजिटर्स पक्षी प्रजातियों की विविधता स्पॉट कर सकते हैं, जैसे किंगफिशर्स, हिरन्स और ईग्रेट्स। वाटरवेज खुद असंख्य मछली प्रजातियां, क्रैब्स और मलस्क का घर है। ओकेशनली कोई ऑटर्स और मॉनिटर लिजर्ड्स जैसे मायावी जीव की झलक भी आप चाहे तो देख सकते हैं, अगर आपका किस्मत अच्छा रहा तो। अपने इम्पोर्टेंस के बावजूद मैंग्रोव फॉरेस्ट वर्ल्ड वाइड मानवीय गतिविधियां से खतरे में है, जैसे डिफॉरेस्टेशन, पोल्यूशन और क्लाइमेट चेंज। थेंगाइथेटु के मैंग्रोव भी एक्सेप्शन नहीं है। ये चैलेंजेस कंसर्टेड कंजर्वेशन एफर्ट्स की नीड को हाईलाइट करते हैं ताकि इन वाइटल इकोसिस्टम्स को प्रोटेक्ट और रिस्टोर किया जा सके। लोकल और रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस जैसे पॉन्डिकैन, दैट इज पॉन्डिचेरी सिटीजन्स एक्शन नेटवर्क, एमएस स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन, तमिलनाडु फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, पॉन्डिचेरी कोस्टल जोन मैनेजमेंट अथॉरिटी जैसे ऑर्गेनाइजेशंस ने थेंगाइथेटु के मैंग्रोव फॉरेस्ट को कंजर्व करने के लिए बहुत सारे इनिशिएटिव्स अंडरटेक किए हैं। इनमें न्यू मैंग्रोव सैपलिंग्स को प्लांट करना, वाटरवेज को क्लीन करना और कम्युनिटी और विजिटर्स को मैंग्रोव्स की इम्पोर्टेंस के बारे में एजुकेट करना शामिल है। थेंगाइथेटु को विजिट करने का बेस्ट टाइम मैंग्रोव बोटिंग एडवेंचर के लिए नवंबर से फरवरी के बीच है। इन महीनों में वेदर काफी ठंडा और प्लेजेंट होता है जिससे बोटिंग एक्सपीरियंस और कंफर्टेबल हो जाता है।
मानसून सीजन जो जून से सितंबर तक होता है अवॉइड करना चाहिए, कम आसान बारिश के चलते जो वाटरवेज को नेविगेट करने में चैलेंजिंग और पोटेंशियली अनसेफ बना सकते हैं। मैनग्रोव बोटिंग टूर का कॉस्ट थिंगाई थीटू में ड्यूरेशन और इंक्लूडेड सर्विसेज पर डिपेंड करता है। ऑन एवरेज शॉर्ट टूर्स जो कि 1 से 2 घंटे का है उसके लिए आपको लग सकते हैं 500 से 1000 रुपये प्रति व्यक्ति। एक्सटेंडेड टूर्स जो कि 3 से 4 घंटे तक लास्ट करते हैं उनका आपको लग सकता है लगभग 1500 से 2500 रुपये प्रति व्यक्ति। अगर आपको प्राइवेट टूर्स करना है तो स्मॉल ग्रुप्स के लिए प्राइवेट टूर्स के प्राइसेस हैं 3000 से लेके 5000 तक के रेंज में, और इसमें आपको काफ़ी पर्सनलाइज एक्सपीरियंस भी मिल सकता है। कुछ टूर्स में गाइड फी टोटल कॉस्ट में इंक्लूड होती है, जबकि कुछ एडिशनल 200 से 500 रुपए वो चार्ज भी कर सकते हैं अगर आपको एक टूर गाइड चाहिए तो। आपकी स्टे लोकेशन के आधार पर थिंगाई थीटू तक ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट लगभग 200 से 1000 के बीच हो सकता है। लोकल इटरीज और फूड स्टॉल्स मील्स ऑफर करते हैं जिनकी रेंज लगभग 100 से लेके 500 प्रति व्यक्ति के हो सकती है। नियर बाय एकोमोडेशंस वाइडली वेरी करती हैं, बजट गेस्ट हाउसेस स्टार्टिंग एट 1000 रुपीज पर नाइट और मोर कंफर्टेबल होटल्स या रिजॉर्ट्स 3000 से 7000 पर नाइट तक रेंज में आ सकते हैं। एडवाइजेबल है कि पीक टूरिस्ट सीजन के दौरान अपनी बोटिंग टूर को एडवांस में बुक करें ताकि अपना स्पॉट सिक्योर कर सके और पॉसिबली बेटर रेट्स पा सके। पैकेज डील्स देखें जो ट्रांसपोर्टेशन मील्स और एकोमोडेशन इंक्लूड करते हो फॉर अ हैसल फ्री एक्सपीरियंस। लोकल टूर ऑपरेटर्स के थ्रू बुक करने पर विचार करें जो एक मोर ऑथेंटिक एक्सपीरियंस प्रोवाइड कर सकते हैं और लोकल इकोनॉमी को सपोर्ट करते हैं। कंफर्टेबल क्लोथिंग हैट्स और सनग्लासेस रिकमेंडेड है। सनस्क्रीन अप्लाई करना और इंसेक्ट रिपेलेंट लाना ना भूलें। वाटर बॉटल्स, एक कैमरा, बर्ड वॉचिंग के लिए बाइनोक्यूलर्स और अपनी बिलोंगिंग्स को प्रोटेक्ट करने के लिए एक वाटरप्रूफ बैग कैरी करें। इंश्योर करें कि आप टूर ऑपरेटर्स द्वारा प्रोवाइड किए गए सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करें और हमेशा लोकल वेदर फोरकास्ट को चेक करना एक गुड आइडिया है। ऑप्टिमल सीजन के दौरान अपनी विजिट को प्लान करके और एप्रोप्रिएटली बजटिंग करके आप थिंगाई थीटू में अपनी मैनग्रोव बोटिंग एडवेंचर का मैक्सिमम फायदा उठा सकते हैं। ये इनक्रेडिबल एक्सपीरियंस ना सिर्फ एक थ्राइविंग इकोसिस्टम में एक यूनिक ग्लिम्स ऑफर करता है बल्कि लोकल कम्युनिटीज और कंजर्वेशन एफर्ट्स को भी सपोर्ट करता है। एडवेंचर को एम्ब्रेस करें, एनवायरनमेंट का रेस्पेक्ट करें और थिंगाई थीटू के मैंग्रोव फॉरेस्ट की सीरीन ब्यूटी को एंजॉय करें।